नमस्कार, स्क्राइपको साँझको समाचार बुलेटिनमा यहाँलाई स्वागत छ। म छु तपाईँहरूसँग निर्दोषिका। प्रस्तुत छ आजका प्रमुख समाचारहरू। This news is brought to you by हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यूज रियल्टर। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शन। आज दार्जिलिङको लेबोङ खेल मैदानमा रंगारंग कार्यक्रमको साथमा 76 स्वतन्त्रता दिवस समारोह भव्य रूपमा पालन गरिएको छ। जीटीए मुख्य कार्यपाल अनित थापाको मुख्य उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रममा जिल्लापाल एस पुनम बलाम लगायत उच्च पदाधिकारीहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा जीटीए प्रमुख कार्यपाल अनित थापाद्वारा राष्ट्रिय झण्डा उत्तोलन गरिएको छ। 75 स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा आज कालेबुङमा भव्य रूपमा स्वतन्त्रता दिवस पालन गरिएको छ भने स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा र्यालीको पनि आयोजना गरियो। र्यालीमा कुमिदिनी स्कूलका विद्यार्थीहरूले पनि भाग लिएका थिए। उक्त कार्यक्रममा कालेबुङका विधायक रुदेन सादा लेप्चाको मुख्य उपस्थिति रहेको थियो। एडवर्ड फाउन्डेशन कर्नाटका शाखाले बेंगलोर स्थित कार्यालय परिसरमा 75 स्वतन्त्रता दिवस विशेष कार्यक्रमको साथमा पालन गरेको छ। भीम छेत्रीको सभापतित्वमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा मणि प्रसाद शर्माको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। रिपोर्ट क्लब अफ पोखरेबुङका प्रमुख सल्लाहकार डेमन प्रधान तथा अन्यको विशिष्ट आतिथ्यमा दीपक थापाले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा फाउन्डेशनका नारी प्रकोष्ठद्वारा देशभक्तिको गीत प्रस्तुत गरिएको थियो। कार्यक्रममा कर्नाटक शाखाका सबै सदस्यहरू एवं वरिपरिका नेपाली समुदायहरूले पनि सहभागी जनाएका थिए। And now government has already created slogan for Har Ghar Tiranga. So thank you for everybody and who has given me this opportunity to say something for my audience, my gather, and who is coming today in this Independence Day function here, Mota Papalia. So thank you very much. And we are say something, we are actual belongs to Darjeeling and we are very very purely Gorkha people and the very people, locality people is created very confusion because we are all as Edward Foundation Karnataka Rajya Samiti bara tati jana aaju swatantra divas samaroh ma tapaiharu aidinu bhayeko chha hai tapailai dherai dherai dhanyabad dinai ma Edward Foundation ko एउटा अध्यक्षको हैसियतबाट दुई शब्द तपाईँहरू बिचमा राख्न लागिरहेको छु। एडवर्ड फाउन्डेसन कर्नाटक राज्यमा किन आएको भन्ने प्रश्नहरू कतिजनालाई छ है। बेङ्गलमा धेरै सङ्घ संस्थाहरू छ र पनि हामी एडवर्ड फाउन्डेसन चाहिँ कर्नाटक राज्यमा किन आयो भन्ने कतिजनाकोलाई क्वेसनहरू छ होला, त्यसको लागि म क्लियर गरिदिन्छु। किनकि कर्नाटक राज्यमा स्वतन्त्रता दिवस 2022 शुभ अवसरमा मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले आफ्नो सरकारी निवास स्थल मिन्टोङगाङमा राष्ट्रिय झण्डा उत्तोलन गरेका छन्। स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा आयोजित विशेष कार्यक्रमबीच यस वर्षको माध्यमिक परीक्षामा सर्वाधिक अङ्क ल्याएर राङभाङ भ्याली टपर बनेका मेधावी विद्यार्थी नित्यम शर्माको उपलब्धिप्रति खुशी व्यक्त गर्दै स्वनिर्भर दल राइजिङ स्टार उपसङ्घ इराम संसद दास पोखरेबुङ ग्राम पञ्चायत 3 अथवा अवकाश प्राप्त भारतीय सेना आनन्द थापाले सम्बोधना पत्र स्मृति चिन्ह तथा सहयोग राशि प्रदान गरेर भव्य सम्बोधना जनाएका छन्। यसै विद्यालयका अन्य 8 विद्यार्थीहरूलाई पनि सम्बोधना पत्र तथा स्मृति चिन्ह प्रदान गरेर सम्बोधना जनाइएको छ। 75 स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा आज घुम बालबालिका प्राथमिक पाठशालामा स्वतन्त्रता दिवस पालन गरिएको छ। कोरोना महामारीपछि यसपटक कुनै बाधा नरहेको कारण स्वतन्त्रता दिवस समारोह विद्यालय परिसरमा नै पालन गर्न सकिएको विद्यालयका प्रधान अध्यापक साङ्गे डुक्पाले बताएका छन्।
कार्यक्रममा पाठशालाका शिक्षक शिक्षिकाहरूले राष्ट्रिय झण्डा उत्तोलन गरी देशभक्तिको गीत गाएर तिरंगालाई सलामी दिए भने विद्यार्थीहरूलाई मिठाई अनि चकलेट वितरण गरियो। नमस्ते, च्यानल हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दार्जिलिङ दर्शकवृन्दलाई आज फेरि हामी 75 इयर्स इन्डिपेन्डेन्ट डे भारत स्वतन्त्र भएको 75 वर्षगाठ मनाइरहेका छौँ र अब 76 टेक्यो र यो यसपालि चाहिँ 75 वर्ष चाहिँ किन मनायो भन्दा चाहिँ 13, 14, 15 तिन दिन चाहिँ घर घरमै झन्डा लाउने तिरङ्गाको कुरो थियो, यो लगायौँ र आज हाम्रो साना साना नानीहरूलाई लिएर 2 वर्षको बादमा 20 र 21 त हामीले कोभिडले गर्दा विद्यार्थीहरू बिना नै हामीले इन्डिपेन्डेन्ट डे मनायौँ र यसपालि चाहिँ नानीहरू पनि छ, नानीहरू सँगसँगै हामीले इन्डिपेन्डेन्ट डे मनाइरहेको छौँ। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। अपने घर को एक स्मार्ट और सुंदर बनाने के लिए हैवेल्स प्रोडक्ट्स का उपयोग करें। अपने घर की सजावट उभारें स्मार्ट लाइटिंग द्वारा। हैवेल्स इलेक्ट्रिकल्स की नई रेंज पेश करता है सजावटी पंखे, एलईडी लाइटिंग, किचन और होम एक्सेसरीज, मॉड्यूलर स्विच, एयर कूलर, एयर प्यूरिफायर और बहुत कुछ। इलेक्ट्रिकल्स में गुणवत्ता, सुरक्षा और सुविधा के लिए एक ही नाम हैवेल्स। विजिट करें महावीर इलेक्ट्रिकल्स, एनएक्स, हैवेल्स, गैलेक्सी, जेमहाउ, बिसाइड उत्तरबन, मारवाड़ी भवन, सेकंड माइल, सिलीगुड़ी। गुड शेफर्ड सेवियर्स डू रेगुलर एंड डिस्टेंस कोर्सेस BAMA, BCom, MCom, BCA, MCA, BEd, BPed, MEd, LLB, नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल कोर्सेस। गुड शेफर्ड सिंस 1996 ऑपोजिट मार्गरेट स्कूल नियर नेचर केयर हॉस्पिटल प्रधान नगर सिलीगुड़ी। For contact call 9932098092। श्री गणेशाय नमः। श्री बालाजी ज्योतिष केन्द्र जस्तै समस्या होस् काम बन्नै सक्दैन भने त्यसको ग्यारेन्टी सित समाधान गरिनेछ। प्रेम प्रीति गोप्य शत्रु व्यवसायमा समस्या, दोकान ठिक सित चल्न सक्दैन, घरेलु समस्या, धन सम्पत्तिको नोक्सानी, कोर्ट केस, व्यवसाय नचल्नु, पशुधनको बर्बादी, पढाइमा मन नलाग्नु, विवाहमा ढिलाइ इत्यादि, यी सम्पूर्ण समस्याको लागि पण्डित तुषार शर्मा गोल्ड मेडलिस्टले निशुल्क जोखाना हेर्नुहुनेछ। यसैले उहाँसित शीघ्र सम्पर्क गर्नुहोस्। नम्बर 6375847663। कालेबुङको लामाडाँडामा अवस्थित लामाडाँडा होमस्टे सिलगढीबाट मात्र 2.5 घण्टाको दूरीमा छ। मनोरम प्राकृतिक दृश्यसँगै रमाउन अनि सहरी व्यस्तताबाट केही दिन राहत पाउन यो उत्तम ठाउँ हो। यहाँबाट तपाईँले कञ्चनजङ्घाको दृश्य साथै सुन्दर सूर्योदय पनि देख्न सक्नुहुनेछ। होमस्टेको अतिथि सत्कारले तपाईँलाई आफ्नै घर जस्तो महसुस गराउनेछ। आफ्नो परिवारको साथमा छुट्टी बिताउनलाई एकमात्र लामाडाँडा होमस्टे। सम्पर्क नम्बर 9547151001। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हैवेल्स गोल्ड मेडल, आरआर कैबेल्स, क्रेबट्री, लेग्रेंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी, 9932018834। सिलीगुड़ी में घर की तलाश है? ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760-830-848-58। Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak.
Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50-70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी. This is the membrane door made with a block board. 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC 4 grade, AC 5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road, 94340-40400. शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डेजीविजन एंड प्रोडक्शन. हम प्री वेडिंग शूट, वेडिंग फोटोग्राफी, कमर्शियल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, बर्थडे शूट, रिंग सेरेमनी, कॉर्पोरेट और कमर्शियल शूट और प्रोडक्ट शूट करते हैं. भारत में शादियों को बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है और हम उन पलों को कैमरे में कैद करके इसे एक विशेष कहानी में बदल देते हैं. वी आर इन फोटोग्राफी सिंस 1966. Sumani Digivision and Production, Siliguri, 9434023813. Godrej Interio Gharelu aur Karyalay dono kshetron mein Bharat ka premium furniture brand hai, jo design, nirman aur sthirta ke liye ek jana mana naam. Furniture shreni mein desh ki sabse badi in-house design team. Aapki sehat ka khyal rakhte hue, hum aapka jeevan bhar saath nibhate hain, kyunki hum hain Green Guard certified, ergonomic aur bahut tikau. अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारे. SN Interiors Godrej Showroom, Planet Mall, Sevok Road, Siliguri. Admissions open. Sikkim Professional University, a leading university for higher education in Gangtok, Sikkim. Reshaping education system through innovative teaching methods. Offering various courses in collaboration with iNurture Education Solutions, Bangalore. Contact number 83272725252583272729295. 83272729. हमारा शोरूम 7 कॉन्सेप्ट्स परनामी मंदिर रोड में ASGI हॉस्पिटल के पास में है. हम लोग यहाँ पर ये दरवाजा बनाते हैं. दिस डोर्स आर कस्टमाइज्ड डोर्स, योर टेस्ट, योर कलर, योर डिजाइन. 3D डिजाइन भी पॉसिबल है. दिस आर बिटवीन अ प्राइस रेंज ऑफ 4,000 to 6,000 रुपीज. दिस ऑल कैरीज अ वारंटी ऑफ 5 years. वी डू 3D कार्विंग ऑन द डोर. ये टीकुड डोर है, 100% प्योर टीकुड. हार्डवुड में भी दरवाजे बनाते हैं हम लोग. इसके अलावा फ्लावर पैटर्न डेकोरेटिव डोर्स भी बनाते हैं. दिस ऑल आर PU पॉलिश्ड. दिस इज अ रियल पाइनवुड डोर. ये रॉ डोर है, ये हार्डवुड से बना हुआ है. 75 स्वतंत्रता दिवस को अवसर में पूर्व सैनिक अर्ध सैनिक कल्याण समिति नागरी फार्म द्वारा संगठन को कार्यालय में राष्ट्रीय झंडा उत्तोलन करिए देश को सुरक्षा में वीरगति प्राप्त गरेका गोरखा राइफल्स का लायंस नायक शहीद हीरा बहादुर थापा, वीर चक्र प्रकाप तथा EFR का जवान शहीद मिकराम तामाङ को शहीद वेदी में श्रद्धांजलि अर्पण गरियो. कार्यक्रम में शहीद परिवार, ग्रामवासी तथा पुलिस आउटपोस्ट, नागरी फार्म प्रभारी ASI दीपेन जोशी तथा अन्य को उपस्थिति रहेको थियो. यसबारे संगठन अध्यक्ष अनेरी क्याप्टन पुकार लामाले थप बताएका छन्. आज नागरी फार्म पूर्व सैनिक अर्धसैनिक कल्याण समिति द्वारा भारत स्वतंत्र भएको 75 वर्ष पूरा भएको उत्सवमा नागरी फार्म पूर्व सैनिक अर्धसैनिक कल्याण समिति अफिसमा सर्वप्रथम झंडा उत्तोलन गरियो. यस पश्चात यर वीरहरूको भूमि नागरी फार्म वीर चक्र लान्स नायक हीरा बहादुर.
हालै चुङथुङ चियाबारी अनिश्चितकालीन बन्द रहे तापनि यहाँ स्थित लोअर चुङथुङ उच्च विद्यालय खेल मैदानमा भारतको स्वतन्त्रता दिवस भव्य रूपमा पालन गरिएको छ। मेरीबुङ उच्च विद्यालय, रुबेन मेमोरियल स्कूल, बेथल अकादमी, हिमालयन अकादमी अनि लोअर चुङथुङ उच्च माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूले मार्चपास्टसितै विभिन्न झाँकीहरू प्रस्तुत गरेका छन्। विद्यालय प्रबन्धन समिति सभापति एलएम लामाको अध्यक्षता तथा चुङथुङ मेरीबुङ तामसाम समष्टिका सभासद सन्दीप छेत्रीको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा अन्तर विद्यालय फुटबल प्रतियोगिताको फाइनल खेल पनि सम्पन्न गरियो। कार्यक्रममा दर्शकहरूको अपार भीड रहेको थियो। सबैलाई अभिवादन गर्दछु। स्वतन्त्र दिवसको पावन उपलक्ष्यमा यहाँहरू सबैलाई मेरो हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। आज यो खुसी मनाउने दिन, हर्षोल्लास गर्ने दिन भएको कारणले गर्दाखेरि देश स्वतन्त्र भएको दिनलाई हामीले भव्यताको साथमा सारा देशभरि नै हामीले पालन गर्छौँ। अनि आज यहाँ लोअर चुङथुङ विद्यालयमा पनि यो कार्यक्रम सुसम्पन्न भइराखेको छ। अनि यसमा आज हामीले यहाँ आफ्नो उपस्थिति दिन पायौँ, यसको निम्ति स्कुल पक्षलाई हामी कृतज्ञता प्रकट गर्दछौँ। रङ्गबुल फाटक स्थित गणेश मन्दिर परिसरमा आशारेखा फाउन्डेसनका विद्यार्थीहरूद्वारा 75औं स्वतन्त्रता दिवस भव्य रूपमा पालन गरियो। राष्ट्रिय झण्डा उत्तोलन तथा राष्ट्रिय गीत गायनपछि विद्यार्थीवर्गद्वारा विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत गरियो। कार्यक्रममा शिक्षक शिक्षिका वर्गको पनि उपस्थिति रहेको थियो। 75औं स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा जिल्ला मेजिस्ट्रेट कार्यालयद्वारा स्वतन्त्रता दिवस पालन गरिएको छ। उक्त अवसरमा उपदण्डाधिकारी ममिता गोदराले राष्ट्रिय झण्डा उत्तोलन गरेकी छन् भने समारोहमा जिल्ला पुलिसका अधिकारीहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो। विशेष दिनटिते हाम्रा आन्तरिक अभिनन्दन ओ शुभेच्छा जनाई। आजकेर ई दिनटि प्रत्येक भारतवासीर काछे खुबी गर्वेर, যাদের ত্যাগ ও আত্মবলিদানের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করেছি তাদের প্রতি জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা। অসংখ্য মানুষের অপরিসীম ধৈর্য, নিষ্ঠা, ত্যাগ ও সংগ্রামের পর প্রায় 200 বছরের ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে আজকের এই দিনটিতে 1947 সালে ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। আজ আমাদের এই মাতৃভূমিতে মৈত্রী, সাম্য ও ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় আছে। আমরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি, প্রযুক্তি, কৃষি, খাদ্য एकीकृत संघ एवं शहीद वेदी संरक्षण समिति धोत्रेको संयुक्त तत्वावधानमा स्थानीय खेल मैदानमा 76औं स्वतन्त्रता दिवस एवं खेलकुद तथा रंगारंग कार्यक्रम बीच सम्पन्न गरियो। क्षेत्रका 4 प्राथमिक पाठशाला लगायत धोत्रे उच्चतर माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीवर्ग, शैक्षिक केन्द्रका शिक्षणकर्मी तथा गण्यमान्य विशिष्ट व्यक्तित्व एवं अन्यको उपस्थितिमा सम्पन्न कार्यक्रममा साहित्य क्षेत्रमा पेम्बा बमजन, आध्यात्मिक क्षेत्रमा डीके लामा, सामाजिक क्षेत्रमा एमएच गुरुङ र साङ्गीतिक क्षेत्रमा मदन लिम्बुलाई सम्बोधना जनाइएको छ। आज स्वतन्त्रता दिवसको उपलक्ष्यमा खेल मैदानमा 5 प्राथमिक पाठशालाहरूलाई लिएर अर्गनाइजेसन गरेको छ। अनि सबै प्राथमिक पाठशालाका विद्यार्थी अनि सरहरूले, शिक्षकहरूले पार्टिसिपेट गर्नुभयो। अनि हामीले यहाँ अर्गनाइज गर्दाखेरि हामीले प्रोग्रामहरू हामीले धेरैवटा राखेको थियौँ। रनिङ इभेन्ट्सहरू थियो है, अनि सम्बर्धना, र हामीले अब धेरै कुराहरू नै अझै गर्ने भएको थियौँ। तर अहिलेको बर्खायामको ले गर्दाखेरि हामीलाई अलिकति प्रब्लम हुन जान्छ भन्ने हेतुले यसलाई हामीले छोटकारीमा प्रोग्रामलाई हामीले र पनि सबै रूप लग्न सक्यौँ। अनि आउँदो दिनहरूमा पनि यसरी नै हामीले प्रोग्रामहरू राख्ने जम्मा गरेको छौँ। अनि धोत्री आएको थियो
सङ्घद्वारा आउँदो दिनहरूमा पनि यस्तै प्रोग्रामहरू हामी दिनेछौँ भन्ने हामीले सोचेका छौँ र आउँदो दिनहरूमा तपाईँहरू सबैलाई हामी स्वागत जनाउँदै अनि यहाँ जति पनि आउनुभएको छ उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। युनाइटेड युथ अर्गनाइजेसन नागरी फार्मको तत्वावधानमा स्वतन्त्रता दिवस पालन गरियो। जीटीए सभा चेयरमेन अञ्जुल चौहानको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा अन्य अतिथिवर्गहरूमा विभिन्न शैक्षिक केन्द्रका शिक्षणकर्मी, बगानका महाप्रबन्धक टीसी शर्मा, सहप्रबन्धक एस दर्नाल, पूर्व सैनिक अर्धसैनिक कल्याण समितिका पदाधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी तथा अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। झण्डा उत्तोलन तथा राष्ट्रिय गीत गायनबाट शुरू भएको कार्यक्रममा एकाधिक विद्यालयका मार्चपास्ट, ड्रिल आदि पनि प्रस्तुत गरिएको थियो। हवस् त, आजको समाचार यति नै। भोलि पुनः अर्को बुलेटिन लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। तपाईँको समय, तपाईँको समाचार। धन्यवाद। समंदर में तैरने वाले कुओं और तालाबों में डुबकी नहीं लगाया करते हैं। बिजनेस का तंबू 3 बंबू पर खड़ा है, प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर और एडवर्टाइजमेंट। अब सोचना आपको है, सिलीगुड़ी के कुएं में डुबकी लगानी है या उत्तर बंगाल और सिक्किम के समंदर में तैरना है। चिंता नहीं, चिंतन करो, एसके लाइव में ऐड करो।